नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला एमटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दवा कंपनी नोवावैक्स से लाइसेंस के तहत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविड-19 रोधी टीके कोवैक्स को आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल कर लिया है। इस तरह वैश्विक स्वास्थ्य निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त टीकों की संख्या में इजाफा हुआ है। ASI के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी आदार पूनावाला ने WHO के फैसले को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एक और मील का पत्थर बताया है। पूनावाला ने कहा था कि SII ने अगले 6 महीनों में कोवोवैक्स की शुरुआत करने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा था कि कोवोवैक्स 3 साल से कम उम्र के बच्चों को सुरक्षा प्रदान करेगा, क्योंकि परीक्षणों के दौरान शानदार आंकड़े सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 8 और लोग कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप से संक्रमित मिले हैं, जिससे राज्य में ऐसे रोगियों की कुल संख्या बढ़कर 40 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी। विज्ञप्ति के अनुसार इनमें से 6 रोगी पुणे से हैं, जबकि 1 रोगी मुंबई से, कल्याण डेविवली से है और सभी 8 नए रोगी पुरुष हैं और उनकी आयु 29 से 45 साल के बीच है। सूचना के अनुसार पुणे के 4 रोगी हाल ही में दुबई की यात्रा कर चुके हैं और 2 रोगी उनके संपर्क में आए हुए व्यक्ति हैं। सरकार ने कहा है कि पिछले 20 दिनों से कोविड संक्रमण के दैनिक मामले 10,000 से कम है, लेकिन ओमिक्रॉन स्वरूप और अन्य देशों में बढ़ते मामलों को देखते हुए सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगले साल जनवरी के पहले हफ्ते में 5 राज्यों को लेकर चुनाव आयोग कभी भी तारीखों की घोषणा कर सकता है। चुनाव आयोग ने इस बाबत तैयारी तेज कर दी है। अगले हफ्ते से चुनाव आयोग को इन राज्यों में दौरा शुरू हो जाएगा और घोषणा से पहले आयोग सुरक्षा व्यवस्था समेत जरूरी तैयारियों की समीक्षा करेगा। साल 2017 में भी इन राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा 6 जनवरी को हुई थी। इस बार 11 या 12 जनवरी को घोषणा होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। दरअसल मार्च अप्रैल में CBSE समेत राज्यों के शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं की प्रस्तावित परीक्षाओं को देखते हुए आयोग इन चुनावों को मार्च के पहले हफ्ते में ही संपन्न कराने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक आयोग ने चुनाव कार्यक्रम को लेकर जो योजना बनाई है, उनमें उत्तर प्रदेश से 7 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं, वहीं मणिपुर और पंजाब में 2 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। 2017 में पंजाब में 1 ही चरण में चुनाव हुए थे। भारतीय किसान यूनियन चडूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनिया शनिवार को नए सियासी दल की घोषणा करने वाले हैं। चंडीगढ़ में आयोजित हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता अपने राजनीतिक पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। गुरुवार रात कुरुक्षेत्र जिला स्थित अपने गांव लौटे चडूनी का समर्थकों ने जमकर स्वागत किया। हालांकि एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि वे पंजाब में चुनाव नहीं लड़ेंगे। चडूनी शनिवार को चंडीगढ़ में नए सियासी दल का ऐलान कर सकते हैं। वे चंडीगढ़ में राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के घर पर शनिवार सुबह इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है। उनके घर पर पिछले 2 घंटों तक छापेमारी की कार्रवाई चली है। इस दौरान उनके घर के बाहर भारी संख्या में फोर्स तैनात किया गया है। इनकम टैक्स की टीम वाराणसी से मऊ पहुंची है। यहां कोतवाली के सादतपुरा में छापेमारी की कार्रवाई की गई। सुबह 7 बजे से इनकम टैक्स की टीम ने राजीव राय को उनके घर में नजरबंद किया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया। खुले में नमाज पढ़ने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। राज्यसभा के पूर्व सदस्य मोहम्मद अदीब ने इस बारे में अर्जी दाखिल की है। इसके माध्यम से कहा है कि प्रशासन खुले में नमाज पढ़ने का विरोध करने वालों पर रोक लगाने में पूरी तरह विफल साबित हुआ है। इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं उनके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि पिछले 4 महीने से खुले में नमाज पढ़ने को लेकर हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा के बाद विरोध काफी हद तक थम गया है। मुख्यमंत्री ने खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की बात कही है। इसके बाद से प्रशासन काफी सक्रिय हो गया है। इस बारे में सुशांत लोक इलाके में रह रहे राज्यसभा के पूर्व सदस्य मोहम्मद अदीब का कहना है कि जगह की कमी की वजह से ही समुदाय के लोग खुले में नमाज पढ़ते हैं। तरनतारण जिले के भारत पाक सरहद के अधीन आते गांव तारा सिंह नजदीक बीती रात पाकिस्तान ड्रोन की तरफ से दस्तक दी गई। BSF की 103 बटालियन ने हरकत में आते हुए ड्रोन को फेंकने के लिए फायरिंग की। ड्रोन को जमीन पर गिरने के उपरांत BSF द्वारा कब्जे में ले लिया गया है। इसके बाद BSF की तरफ से इलाके में सर्च मुहिम जिला पुलिस की मदद के साथ शुरू किया गया है। वहीं गांव वासियों में ड्रोन की आवाज सुनने के बाद डर का माहौल बन गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री व आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल कल 19 दिसंबर को चंडीगढ़ का दौरा करने जा रहे हैं। बता दें कि राज्य में विधानसभा चुनावों को लेकर केजरीवाल लगातार पंजाब के दौरे पर हैं और सभी राजनीतिक दलों में सक्रियता बढ़ा दी गई है। इससे पहले केजरीवाल ने पंजाब दौरे के दौरान राज्य के लोगों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। राज्य में शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो राज्य के लोगों को बिजली, पानी, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा संबंधी हर सहूलतें दी जाएंगी।
देश की राजधानी दिल्ली के आरजीआई स्टेडियम के पास एक हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह एक कंटेनर के ऑटो रिक्शा पर पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें ऑटो रिक्शा का चालक भी शामिल है। वो इस हादसे के बाद कंटेनर वाहन का चालक फरार हो गया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। बर्फीली हवाओं और सुबह घने कोहरे ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिए हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। हरियाणा में मैदानी क्षेत्र शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। नौरनाल की रात्रि का पारा 3.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे है। हिसार का रात्रि पारा 4 डिग्री सेल्सियस रहा। आज प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर चलने से ठंड का प्रकोप बढ़ा। खेतों में सुबह के समय ओस की बूंदें फसलों पर देखी गई। इराक के उत्तरी क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ ने मरने वालों की संख्या बढ़ाकर 11 कर दी है और एरबिल प्रांत के मेयर नवाज अब्दुल हमीद ने बयान जारी कर यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मूसलाधार बारिश में 11 लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि टोरेंट ने बारिश के कारण एरबिल के उपनगर दारातो और कुश्तपा शहर में बड़े स्तर पर सामग्री की क्षति हुई है। कुर्दिस्तान मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी एरबिल में भारी बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है। यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंचे देश के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने यूपी के लोगों को बड़ी सौगात दी है। साथ ही सपा बसपा और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों पर जमकर निशाना भी साधा है। इस दौरान अमित शाह ने सबसे पहले लखनऊ में आयोजित भाजपा और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली को संबोधित किया। फिर वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचे। यहां अमित शाह ने सहकारिता विभाग की 155 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण कर यूपी की जनता को बड़ी सौगात दी है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बुआ बबुआ की सरकार में जमकर भ्रष्टाचार किए जाने की याद दिलाई। वहीं दूसरी ओर जाति और परिवारवाद की राजनीति करने वालों द्वारा कभी भ्रष्टाचार ना दूर कर पाने का दावा किया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अभी बीते 2-3 दिन पहले ही मोदी जी ने बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर के बाहर एक भव्य कॉरिडोर बनवाकर देश दुनिया के करोड़ों शिव भक्तों की इच्छा पूरी की है। दिल्ली में आज यानी 18 दिसंबर से कक्षा 6 से 12 तक के स्कूल खुल गए हैं। इस दौरान दिल्ली के सादिक नगर स्थित सर्वोदय बाल विद्यालय के एक छात्र ने कहा कि ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चे उपस्थित नहीं हो पा रहे थे, नेटवर्क की समस्या रहती थी, स्कूल आकर बहुत अच्छा लग रहा है। जबकि प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को 27 दिसंबर से बुलाया जाएगा। इस बात का फैसला वायु गुणवत्ता आयोग और एक्सपर्ट्स की बैठक में लिया गया है। वहीं वायु गुणवत्ता में मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक दिल्ली में शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 319 है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर में अधिकारियों को कक्षा 6 और उससे ऊपर के छात्रों के लिए स्कूल खोलने के साथ कॉलेजों व अन्य शैक्षणिक संस्थानों में तत्काल प्रभाव से कक्षाएं शुरू करने की अनुमति दी है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।